Morning students, today is our online SST class. So get ready for this. Take out your SST book and open chapter 23, page number 146. Okay, let's start. Chapter 23, thoughts that make us better human beings. Thoughts, ऐसे सोच जो human beings को better बना सकता है. In this lesson, you will learn about इस लेसन में आप क्या क्या सीखेंगे. द रिलीजन्स दैट टुक बर्थ इन इंडिया, भारत में जन्म लेने वाले धर्म. मेन टीचिंग ऑफ मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख धर्मों की प्रमुख शिक्षा. ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स. इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, वो अनेक धर्मों की भूमि है. इंडियंस आर फ्री टू फॉलो एंड प्रीच द रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस. इंडियंस, भारतीय जो है, अपनी पसंद के धर्म का पालन और उनकी प्रचार करने के लिए फ्री हैं. मेनी रिलीजन्स सच एज हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया. हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे कई धर्म भारत में उत्पन्न हुए हैं. ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं हम. फर्स्ट क्या है? हिंदुइज्म. हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. हिंदुइज्म जो हिंदू धर्म है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है. द हिंदूज वर्शिप गॉड इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स बट दे बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड. हिंदू जो है, वो भगवान की पूजा कई अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते हैं. द होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म इंक्लूड द वेदास, द पुराण्स एंड द एपिक्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत. क्या है द होली बुक? द होली बुक एंड स्क्रिप्चर, हिंदू धर्म का पवित्र बुक जो है होली बुक, और ग्रंथों में वेद, पुराण और जैसे कि रामायण, महाभारत है, महाकाव्य शामिल होते हैं. ओके, दे वर रिटेन लॉन्ग लॉन्ग एगो. वे बहुत पहले लिखे गए हैं. There had been many well-known Hindu saints like Adi Shankaracharya, Dayanand Saraswati and Swami Vivekananda. कई प्रसिद्ध संत हुए हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद. ओके, They all have tried to teach us how to be better human beings. ये दे ऑल हैव ट्राइड, इन सभी ने हमें यह सिखाने की कोशिश किया है कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, कैसे अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. ओके, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, मतलब लगभग ढाई हजार साल पहले, टू रिलीजन्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड एंड बिकम पॉपुलर इन इंडिया. लगभग 2500 साल पहले दो धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, भारत में उत्पन्न हुए और लोकप्रिय हुए, फेमस हुए. लॉर्ड महावीर द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. लॉर्ड महावीर फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के संस्थापक लॉर्ड महावीर. एंड लॉर्ड बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, और बौद्ध धर्म के संस्थापक लॉर्ड बुद्ध हैं. ओके, बुद्धिज्म वर पेन टू सी द इल्स ऑफ आवर सोसाइटी. वो हमारे समाज की बुराई देखकर बहुत ही दर्द से भर जाते थे. दे प्रेस्ड नॉन वायलेंस एंड टोल्ड पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ. प्रीच्ड मीन्स होता है प्रचार करना. दे प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड टोल्ड पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ. उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया और लोगों को सादा जीवन जीने के लिए कहा. ओके,
They did not believe in the growing rituals of the system and preached that all human beings are equal. They did not believe in the growing rituals of the Hindu society. Sorry, ye line maine so padha nahi. They did not believe in the growing rituals of the Hindu society. वह जो भी हिंदू सोसाइटी में हमारे हिंदू सोसाइटी में जो भी रिचुअल्स होते थे, रस्म रिवाज बरत रहे थे, उसमें बिलीव नहीं करते थे. दे फॉट अगेंस्ट द इविल ऑफ कास्ट सिस्टम एंड प्रीस्ट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. दे फॉट अगेंस्ट, वो लड़ाई करते थे किसके अगेंस्ट? द इविल ऑफ कास्ट सिस्टम. जो भी जाति व्यवस्था की बुराई थी हमारे हिंदू सिस्टम में, उसके लिए वो, उसके प्रचार के लिए जो हिंदू करते थे उस पर, उसके खिलाफ थे. दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, उनका मानना था कि सारे ह्यूमन बींग्स, सारे इंसान एक समान हैं. महात्मा गांधी टू लर्न अहिंसा फ्रॉम दियर टीचिंग्स. महात्मा गांधी ने भी शिक्षाओं में अहिंसा सीखा. ओके, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. क्या है सेकेंड? प्रोफेट मोहम्मद. प्रोफेट मीन्स होता है पैगंबर. प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद. प्रोफेट मोहम्मद वॉज बर्न इन मक्का इन अबाउट 570 AD. प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था. कितना? 570 AD में. ही इज नोन एज द प्रोफेट, उन्हें पैगंबर जाना जाता है. द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड द मुस्लिम्स. उन्हें पैगंबर जाना जाता है और उन्हें भगवान का दूत के रूप में जाना जाता है. एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके अनुयायियों जो होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी, उनको मुस्लिम कहा जाता है. ही टॉच पीपल टू लिव इन पीस एंड ब्रदरहुड. उन्होंने सिखाया लोगों को शांति से रहना और भाईचारे से रहना. हिज टीचिंग्स आर रिटन इन द कुरान, द हॉली बुक ऑफ द मुस्लिम्स. जो मुस्लिम के हॉली बुक्स हैं, बुक है कुरान, उसमें उनकी शिक्षाएं लिखी हुई हैं. द फॉलोअर्स टू इस्लाम डू नॉट हैव idols or pictures of God. The followers of Islam do not have idols. जो उनके अनुयायी होते हैं, उनके पास नहीं मूर्ति होती है और नहीं पिक्चर होती है भगवान की. They worship in mosque. वो मस्जिद में जाके पूजा करते हैं. Mosque means मस्जिद होता है. They believe that there is only one God, Allah. They believe that there इज ओनली वन गॉड. वह केवल एक भगवान पर विश्वास करते हैं और वह है अल्लाह. ओके, सेकेंड आते हैं गुरु नानक देव. गुरु नानक देव, गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन्स. सिख रिलीजन जो है उसके, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं. ही वॉज बर्न इन पंजाब. वो उनका जन्म पंजाब में हुआ था अबाउट 550 AD, 550 साल पहले. द सिक्स आर द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक एंड ऑल अदर गुरुज हु केम आफ्टर हिम. द सिख आर द फॉलोअर्स, जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, ऑफ गुरु नानक, और वो या फिर गुरु नानक के अनुयायी जो होते हैं, एंड ऑल अदर गुरुज हु केम आफ्टर. वो गुरु नानक के भी अनुयायी होते हैं और जो उनके बाद जो गुरु आए उनके भी. गुरु गोविंद सिंह वॉज डियर 10th गुरु. गुरु गोविंद सिंह के नाम जानते होंगे आप लोग. गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के 10वें गुरु थे. द हॉली बुक ऑफ द सिख इज द श्री गुरु ग्रंथ साहेब. जो सिख के पवित्र बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहेब. गुरु नानक थॉट द पीपल टू लिव इन पीस. गुरु नानक लोगों को जो है वो शांति से रहना सिखाते थे. ही एक्सेप्टेड एंड कंबाइंड द गुड
टीचिंग ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। उन्होंने हिंदू और इस्लाम के अच्छे शिक्षा को स्वीकार किया और उसे कंबाइन किया। नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म के फाउंडर हैं ईसा मसीह। वॉज बॉर्न इन बैथलियम। उनकी जन्म कहाँ हुई थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बैथलियम में, नियर बाय 2000 ईयर ago, 2000 साल पहले। हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड द क्रिश्चियंस। उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उसको क्रिश्चियंस कहा जाता है। दे बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट। वो जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं। वॉज सेंट टू द अर्थ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड। जिसको धरती पे भेजा गया है भगवान का मैसेज फैलाने के लिए। द क्रिश्चियंस प्रे इन अ चर्च। जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, वो चर्च में पूजा करते हैं। डियर होली बुक इज कॉल्ड द बाइबल। उनकी पवित्र ग्रंथ है बाइबल। जीसस टॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस लव एंड कंपेशन। पीस लव एंड कंपेशन उनका क्या था, उनकी शिक्षा क्या थी, इम्पोर्टेंस देना किसमें, शांति में, प्यार में, और कंपेशन मीन्स दया में। ही बिलीव दैट इवन इनेमीज कैन बी वन ओवर बाई लव। वो बिलीव करते थे कि अपने दुश्मनों को केवल प्यार से जीता जा सकता है। क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस के फेस्टिवल हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, वो होता है क्रिसमस, जो सबको पता है। वो किस लिए मनाया जाता है, उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, उसी के लिए क्रिसमस मनाया जाता है, जो क्रिश्चियंस का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। हिज फॉलोअर्स हैव स्प्रेड हिज टीचिंग्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो अपने जो धर्म के शिक्षा हैं, वो अपने दुनिया के अलग अलग पार्ट में फैलाते हैं अपने अपने तरीके से। प्रॉफेट जोरोस्टर। प्रॉफेट जोरोस्टर, पैगंबर जोरोस्टर। अ लार्ज नंबर ऑफ पारसीज ऑल्सो लिव इन इंडिया। बड़े ही ज़्यादा संख्या में पारसी, मतलब पारसी धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं। दे फॉलो जोरोआस्ट्रिनिज्म। जोरोआस्ट्रिनिज्म पारसी धर्म को कहा जाता है, जोरोआस्ट्रिनिज्म। दे फॉलो जोरोआस्ट्रिनिज्म, वो पारसी धर्म फॉलो करते हैं। दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट पारसियन प्रॉफेट जोरोस्टर। इसके फाउंडर कौन है, पारसी धर्म के फाउंडर प्रॉफेट जोरोस्टर, पैगंबर जोरोस्टर। अबाउट 2500 ईयर्स ago, करीबन ढाई हजार साल पहले। जोरोस्टर प्रेस्ट दैट डियर इज अ कॉन्टिन्यूअस बैटल गोइंग ऑन। बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गॉड एंड इविल। जोरोस्टर जो थे उन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर की शक्ति और जो बुराई है उनके बीच एक निरंतर लड़ाई चल रही है। दिस बैटल कैन बी वॉन बाई गुड एक्शंस, जिसे केवल अच्छे कामों से यह लड़ाई जीती जा सकती है। वेन द गुड विंस ओवर द इविल देयर इज पीस एंड हैप्पीनेस। जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो शांति और खुशी होती है। द पारसीज वर्शिप इन फायर टेम्पल। जो पारसीज होते हैं, पारसी धर्म के लोग होते हैं, वो एक फायर टेम्पल है, वहाँ पे पूजा करते हैं। द टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर्स हैव बीन कलेक्टेड इन अ बुक कॉल्ड द जैन अवेस्टा। जो भी जोरोस्टर की जो बुक नॉलेज है, टीचिंग है, उसकी शिक्षा है, वो एक बुक में कलेक्ट की गई है, जिसका नाम है जैन अवेस्टा। ओके, फर्स्ट
इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स। इंडिया जो है, हमारे जो भारत है वह अनेक धर्मों की भूमि है। सेकंड, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। थर्ड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रीच नॉन वायलेंस। जो बुद्धिज्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के लोग होते हैं वो अहिंसा का उपदेश देते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। फिफ्थ, द सिख आर द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक। जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो गुरु नानक जी को फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। सिक्स, द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस इज कॉल्ड द बाइबल। जो ईसाई धर्म का होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, वो है बाइबल। सेवेंथ, द पारसीज फॉलो द रिलीजन्स ऑफ ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म। जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वो कौन सा फॉलो करते हैं, वो किसके अनुयायी होते हैं? ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म, पारसी धर्म के, जिसको कहा जाता है ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू।